जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त फौजी भाई, माउंटेन फौजी, स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल माउंटेन फौजी में। और आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2022 में, इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है फ्रेंड्स। काफ़ी बच्चों ने इन्होंने इसमें अप्लाई कर दिया होगा, काफ़ी करने वाले होंगे। लास्ट डेट इसकी याद रखनी है हमको, 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। और जो एग्ज़ाम डेट है इसकी 10 जनवरी 2023 से 14 जनवरी 2023 को इसकी एग्ज़ाम्स होने वाली है फ्रेंड्स। टोटल जो पोस्ट है वो 24,369 पोस्ट है इसकी, जिसके लिए एग्ज़ाम होने हैं। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में कि जो 8 फोर्सेस में दी गई है उसमें हमको रेफरेंस क्या देना चाहिए, किसकी ड्यूटियाँ क्या है। कई सारे बच्चे इसमें चॉइस देते वक्त गलती कर लेते हैं। मान लो कोई फ्रेंड्स फॉर्म भरा रहा है, कोई रिलेटिव फॉर्म भरा रहा है, और कोई भी चॉइस डालने की वजह से अच्छे मेरिट में आने वाले बच्चे भी, पढ़ाई करने वाले बच्चे भी, जो मनचाही फोर्स उनको नहीं मिल पाती है। तो इसी पर्पज़ से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं कि सब आपको दिमाग में आ जाएगा अगर वीडियो आप पूरी देखेंगे, तो कौन सी फोर्स का क्या काम है, क्या ड्यूटियाँ है, कितनी सैलरी, आपको सब पूरी इस वीडियो में बताने का मैं प्रयास करूँगा। तो शुरू में करते हैं इसकी शुरुआत वीडियो की। तो टोटल पोस्ट मैंने बताई दिया आपको, इसको खास ध्यान देना है। लास्ट डेट पर 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, और एग्ज़ाम डेट मैंने बताई दिया 10 जनवरी से स्टार्ट है 2023 से। टोटल इसका जो अभी तक 40 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया है, 70 लाख भी इसकी जाने की संभावना है। लेकिन आप मेहनत करिए, ये सब पे ध्यान मत दीजिए 40 जाएगा कितना जाएगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी तो आप 40 में से भी अव्वल नंबर पे आ सकते हो। और इसकी जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, जो मैं बताई दिया इस डेट को 10 जनवरी से है, और 80 नंबर पे अब ये एग्ज़ाम होने वाला है 80 मार्क्स के लिए। इसमें से आपको मैथ आएगा 20 नंबर पर, रीजनिंग आएगा 20 नंबर पर, GS और GK आएगा 20 नंबर पर, और हिंदी या इंग्लिश आप दे सकते हो, वो आएगा 20 नंबर पर, ऑप्शनल है हिंदी या इंग्लिश, तो वो आएगा 20 नंबर पर। और इसका टोटल 80 नंबर होगा, जिसका समय होगा आपके पास 60 मिनट। 60 मिनट में आपको जो है 80 क्वेश्चंस करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग है 1:4, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो इसलिए ध्यान से पेपर सॉल्व कीजिएगा। जो आपको पहले पता है कि ये फिक्स इसका आंसर है, उसी को आप पूरा कीजिएगा। आलतू फालतू मतलब सट्टे मारने की कोशिश मत कीजिएगा, ये होगा और उससे क्या होगा, तुक्के लगने से आपका क्या होगा, जो नंबर अच्छा है वो भी माइनस मार्किंग होने की वजह से वो भी नंबर आपके कम हो जाएंगे। तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि हमको जो चॉइस भरना है, जो प्रेफरेंस भरना है फोर्स का, तो वो आपका सही कैसे होगा वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। पहले जानते हैं इनकी ड्यूटियाँ, तभी आपको उसका रेफरेंस भरने में आसानी होगी। तो सबसे पहले आता है BSF। फ्रेंड्स वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन क्वालिटी के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, पूरा नॉलेज आपको देना चाहूँगा एज अ सोल्जर होने के नाते। तो इसलिए वीडियो पूरा देखिए, पूरा समझ में आएगा, पूरा माइंड में फिट हो जाएगा कि करना क्या है, कौन सा फॉर्म, कौन सी रैंक फोर्स को कौन से नंबर पर हमने चॉइस देना है, पूरा बताऊँगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। BSF इस सबसे टॉप में आता है, इसमें है BSF, जिसकी आपको ड्यूटियाँ ही इसके नाम में ही आ गई कि इसकी क्या ड्यूटियाँ होगी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो हमारी भारत की जो सीमा है, पाकिस्तान बांग्लादेश म्यांमार से लगी हुई जो सीमा है, इसमें इसकी 20 बल की तैनाती है, और काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। इन देशों के बीच इंडिया का काफ़ी तनाव हमेशा से लगा रहता है पाकिस्तान के साथ, और आपने सुना ही होगा कई न्यूज़ में भी आते रहता है घुसपैठ की खबरें। तो इसकी सुरक्षा के लिए इस बल की तैनाती की गई है। अटारी बॉर्डर आपको पता ही होगा, जहाँ पर रिट्रीट्स के लिए दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं, तो वो BSF वहाँ पर ड्यूटी करती है। तो इस बल की एक अलग ही पहचान है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करके। तो ये हो गई BSF, आप इसको भी चॉइस में डाल सकते हो। मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको किस सीक्वेंस में देना होगा, पहले हम इसकी ड्यूटियाँ जान लेते हैं। सेकंड में आती है फ्रेंड्स CISF, ये आएगी आपको बी सीरियल में, और इसकी जो ड्यूटियाँ है वो बताता हूँ आपको मैं। इसकी ड्यूटियाँ है एयरपोर्ट, सी पोस्ट हो गया, हिस्टोरिकल पैलेस हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गए, और उसके साथ इंडस्ट्रीज एरिया, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज एरिया है उसमें भी CISF आपने देखी होगी, और काफ़ी अच्छी फोर्स है। इसकी ड्यूटियाँ अमूमन जो है सिटीज़ में होती है। अगर आप गए होंगे कभी मेट्रो या कभी ताजमहल या इस जगह, इस फोर्स को आपने देखा होगा। अब इसके अगले नंबर पे आती है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। वैसे तो पुलिस तो हमारे हर स्टेट में होती है, लेकिन अलग से इस बल का गठन इसलिए किया है कि जब अलग बल की तैनात मतलब ज़रूरत पड़ती है, तब इस बल को CRPF को वहाँ पर तैनात किया जाता है। साथ ही में ये CRPF जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी इसकी तैनाती काफ़ी
ज़्यादा है, काफ़ी बड़ी फोर्स है, पुरानी फोर्स है सीआरपीएफ इंडिया की, और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी इसका काफ़ी अच्छा दबदबा है। तो आप सीआरपीएफ को भी अच्छी तरह जानते होंगे, काफ़ी खबरों में भी सीआरपीएफ रहती है। और उसके बाद नंबर आता है एसएसबी का, तो एसएसबी जो है डी इसमें आएगा, और मतलब एसएसबी आपको डी सेलेक्ट करना होगा आपको अगर देना है एसएसबी। तो एसएसबी की जो ड्यूटी है ये है सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल जो है एक बहुत ही छोटी फोर्स है, काफ़ी फास्ट प्रमोशन है। अभी मेरे कई दोस्त भी है जो अभी ESOs अधिकारी बनने वाले हैं। तो एसएसबी की जो ड्यूटी है खासकर नेपाल और भूटान, कोई भी तनाव नहीं, किसी चीज़ का कोई समस्या नहीं, यहाँ इस जगह पर इसकी ड्यूटियाँ हैं। और यहाँ पर आप अगर देखोगे तो नेपाल एक साइड, इंडिया एक साइड, अगर आप एक का पाँव यहाँ रखते हो तो नेपाल आएगा, इधर रखते हो तो इंडिया आएगा। कोई रोक टोक नहीं, कोई मतलब तनाव नहीं, अच्छी ड्यूटियाँ है एसएसबी की, तो एसएसबी को भी आप रेफरेंस दे सकते हो। और उसके बाद आती है आईटीबीपी। आईटीबीपी जो एक ऐसी फोर्स है जिससे मुझसे मेरा खुद का पर्सनली बहुत लगाव है। आईटीबीपी का नाम इसलिए चर्चा में हमेशा रहता है क्योंकि ये बहुत ही मानी हुई और काफ़ी हार्ड वर्किंग फोर्स, हार्ड फिटनेस फोर्स है। आप इसकी जो तैनाती है इंडो तिब्बत बॉर्डर में, जो चाइना बॉर्डर है, सबसे बड़ी जो बॉर्डर है काराकोरम से लेके नॉर्थ ईस्ट तक जो बॉर्डर है आईटीबीपी देखती है। सन 1962 में इस बल का गठन हुआ था और तब से लेकर अभी तक देश सेवा में ये बल समर्पित है। काफ़ी इसका नाम रोशन हुआ है, अफगानिस्तान मानिए, कांगो मानिए, इंटरनल ड्यूटीज़ मानिए, बॉर्डर में तो छाई हुई है ये फोर्स। तो आईटीबीपी की जो सैलरी है वो भी इसके बॉर्डर अलाउंसेस के चलते सबसे ज़्यादा आईटीबीपी की सैलरी इन सभी 8 फोर्सों में से सबसे अव्वल रहती है। तो आईटीबीपी को भी आप प्रेफरेंस दे सकते हो। और उसके बाद नंबर आता है असम राइफल्स का। असम राइफल आपको पता ही है, असम राइफल से तो असम में ही है, नॉर्थ ईस्ट में इसकी पूरी डिप्लॉयमेंट है। तो आप ज़रा सोच के ही असम राइफल को सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि इसकी जो बाहर पोस्टिंग असम से या नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर जो राज्य है वहाँ से बाहर इसकी पोस्टिंग नहीं होती है ये। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के मेरे भाई है, जो अगर कोई एक आध वीडियो मेरा भाई देख रहा होगा तो वो इससे मतलब काफ़ी अच्छा उनके लिए होगा क्योंकि पूरा नॉर्थ ईस्ट में इसका डिप्लॉयमेंट है और थोड़ा सा आर्मी का फैसिलिटी भी, CSD कार्ड वगैरह इनको मिलता है, तो इसलिए भी एक अलग अपना महत्व रखती है। उसके बाद आती है SSF, इसमें भी काफ़ी हाई मेरिट जाता है। SSF यानी सेंट्रल सेक्रेटरी फोर्स, जो हमारे मिनिस्ट्री हो MHA में जो जो मतलब हमारे सेक्रेटरी भवन आते हैं, राष्ट्रपति भवन आता है, जो हमारे पार्लियामेंट से उसकी सिक्योरिटी का जिम्मा SSF यानी सेंट्रल सेक्रेटरी फोर्स के ऊपर है। जो हम कभी आप विजिट करने जाओगे राष्ट्रपति भवन के लिए तो वहाँ में जो सिक्योरिटी जांच होती है, तो गाड़ियों की तलाशी ली जाती है, जो हमारी तलाशी ली जाती है, उस बल का वो ये बल करता है SSF। और पूरी सिटी में इनकी ड्यूटियाँ होती है और काफ़ी आप परिवार के साथ अगर रहना चाहोगे और कोई रिस्क नहीं है तो आप SSF के साथ जा सकते। तो नेक्स्ट आता है हमारा NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये जो है पिछले अभी कुछ दिनों से चर्चा में भी रहा था, जो मुंबई में एक केस हुआ था। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का काम है जो नशीले पदार्थ की जो तस्करी है वो रोकी जाए, उसको फैलने से रोका जाए, इस बल का ये खासकर काम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्यूटीज़ की है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। तो NCB भी आप जा सकते हो। पिछली बार NCB SSCGD में नहीं था, इस बार इसको शामिल किया गया है, तो बहुत से बच्चे इसको भी चॉइस में डालेंगे। तो ये सब मैंने आपके सामने इसको रखने की कोशिश की है, इसको सबको संजोने में, इसको सभी फोर्सों के डाटा कलेक्ट करने में बहुत सी मेहनत लगी है। तो आशा करता हूँ आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और इसको जब आप चॉइस भरते समय खास इन बातों का ध्यान रखिएगा। आपको आसान हो गया होगा कि मैंने इसकी जो ड्यूटियाँ है वो आपको बता दी है कि किस तरह से इसकी ड्यूटियाँ है, किस तरह से आपको ड्यूटीज़ करनी पड़ेगी, किस बल का क्या काम है। अगर आपको दो, मेरे हिसाब से दो इसको मद्देनज़र रखते हुए इसको सिलेक्शन करना चाहिए, एक होता है रिस्क और एक होती है सैलरी। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते तो आप SSF अपनी NCB और CISF या फिर SSB के साथ जा सकते हो। अगर आप सैलरी की तरफ जाना चाहते हो, जो हार्डशिप अलाउंस है वो सबसे ज़्यादा मैं बताया ITBP, PSF, CRPF और SSB इन फोर्स में है क्योंकि इनकी ज़्यादातर डिप्लॉयमेंट जो है बॉर्डर एरिया में है और बॉर्डर अलाउंस जो है वो बहुत होता है, इसलिए बॉर्डर अलाउंस से आपकी सैलरी बढ़ेगी और कई सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ भी होती है, इसलिए सैलरी के लिए आप इन फोर्स के लिए जा सकते हो। इसका चॉइस दोगे तो फर्स्ट नंबर पर आप रखिएगा SSF को,
सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फोर्स को आप एक नंबर पे रखिएगा, दो नंबर पे रखिएगा एनसीबी को, ये पिछली बार नहीं था, इस बार शामिल किया गया इसको, इसकी भी ड्यूटी के चलते ये बहुत ही दूसरे नंबर चॉइस पे रहता है दोस्तों के, मेरे भाइयों के जो तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट में रहता है एसएसएफ, सेकंड में एनसीबी, इसको बिल्कुल माइंड में बिठा लीजिएगा। अगर ये पोस्ट चाहिए तो आपको जान लगा के पढ़ाई करनी होगी, पूरा जोर लगाना होगा, दिन रात एक करनी होगी। टाइम टेबल छोड़िए, 10 तारीख आ गया, टाइम टेबल की मत आप चिंता करिए, टाइम टेबल उस चीज़ का बनाइए, फालतू चीज़ का, कि मैं खाने के लिए कब टाइम निकालूँ, सोने के लिए कब टाइम निकालूँ, घूमने के लिए कब टाइम निकालूँ, बाकी टाइम आप पढ़ाई में लगाएगा, टाइम टेबल मत बनाइए। आप टाइम खत्म हो गया, आपके पास मुश्किल से 40 दिन बचा है, तो अगर आप ये अगर चॉइस भरना चाहोगे तो इसके लिए आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको एसएससीएफ एनसीबी मिलेगा। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपको अगर चॉइस देनी होगी तो मेरे अगर निजी राय रही तो सीआईएसएफ आप दे सकते हो, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ भी आप दे सकते हो, क्योंकि सीआईएसएफ का भी आपको ड्यूटी मैंने बता ही दिया, लगभग मेट्रो स्टेशन, अच्छी अच्छी जगह, एयरपोर्ट हो गया, इस जगह पे इसकी तैनाती रहती है, इसके लिए भी कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है फ्रेंड्स। अब चौथे नंबर पर आता है, अगर आप चौथे नंबर पे देना चाहो तो आप चौथे नंबर पे एसएसबी को प्रीफर कर सकते हो, एसएसबी आप चौथे नंबर पर दे सकते हो। और पाँचवें नंबर पर आती है हमारी, पाँचवें नंबर पर आप देना चाहो तो बीएसएफ या आईटीबीपी में से, मैं आईटीबीपी देना चाहूँगा। और उसके बाद छठे नंबर पर आप दो बीएसएफ, छठे नंबर पे हो गया बीएसएफ, मैं दोबारा आपको रिपीट करना चाहूँगा, एसएसएफ हो गया फर्स्ट, सेकंड एनसीबी, थर्ड सीआईएसएफ, फोर्थ एसएसबी, फिफ्थ पे हो गया आईटीबीपी, सिक्स पे हो गया बीएसएफ। उसके बाद सातवें नंबर पर आप दीजिएगा सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सातवें नंबर पर दीजिएगा। और आठवें नंबर पर आपका आएगा असम राइफल, असम राइफल आएगा आठवें नंबर पर। तो इस तरह से आप अगर चॉइस भरेंगे तो आपको कोई भी कभी भी आपकी मतलब गलत चॉइस नहीं मिलेगा, आपको जो आपने दिया है, अगर मेरिट आपका सही है, आपने अच्छी तैयारी की है, जान लगा के पढ़ाई की है, दिन रात ये किया है, तो आपको इन्हीं में से टॉप में से ही फोर्स दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।